हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टिकट 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 लौकर लौकर कमरे के पास ज्यादा टाइम नहीं है। बैठने दीजिए मुझे। क्या बदतमीजी है, बैठने दीजिए मुझे। ये बैठने वाला है। ए चला 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 चला, टिकट गया। चलो मैडम बैठो बैठो, खाली सीट नहीं दिख रही क्या? ए छोकरा लोग, अरे बसाना तुम इधर। अरे बैठ जाएंगे कांबड़े साहब, इतनी जल्दी किस बात की है? ये लो जाएंगे। दो टिकट, लास्ट स्टॉप की है। बस में खड़ा होकर झूला झूलने में बहुत मजा आता है ना कांबड़े साहब? धक्का क्यों दे रहे हो, सीधे से खड़े रहो। अरे मैडम ये बस है, कोई कूल कैब नहीं है, अब थोड़ा धक्का तो लगता ही है ना। काय करते हो उसे, मुलीन ने त्रास देते तुम्ही। एक आमरे, तेरे को क्या तकलीफ है, चुपचाप टिकट काट, आई बात समझ में? ये दोनों मुझे बस स्टॉप से परेशान कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो, आपकी मदद के लिए कोई हीरो आएगा क्या बस का शीशा तोड़ के? अम्बे हम उधर बस। और तुम ही लोगों का है, हाथ हाथ बांगला घात लेगा, देख नहीं रही है? दो लड़के छेड़ रहे हैं इस लड़की को। आपके घर की बहू बेटी होती तो ऐसा करते क्या आप लोग? चुप रहते। ए गामले, ये तेरे घर की नहीं है, समझा ना? तो तू ज्यादा हीरो मत बन। ए तो जैसे लोग विलन बनेंगे ना, तो कोई भी हीरो बन जाएगा हम में से। ए मैडम अब देख क्या रही हो, आपको अपनी इज्जत थोड़ी भी प्यारी है ना, तो डरो मत, बना दो दुनिया का नक्शा दोनों के कान पे। अबे ओए कामरे, अबे तू होश में तो है ना? बेटा मैं होश में आ गया तो तू बेहोश हो जाएगा। अभी मैं इस लड़की को होश में ला रहा हूँ तुम लोगों का होश ठिकाने लगाने के लिए। अरे बकता का है मैडम, ना खाली ये हुई ना बात। हाँ बसा बसा मैडम, बसा बसा। थैंक यू गामले साहब। अरे थैंक यू की क्या बात, एक बात याद रखो मैडम, अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ता है तभी दुनिया आपका साथ देगी है। चला टिकट बोला, कुछ जाता है सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर टिकट 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 टिकट। वो लड़की अभी तक बस में चढ़ी क्यों नहीं, टाइम तो हो गया है। What is this? Oh God, this is too much. आज ही मेरी मीटिंग है,
और आज गाड़ी खराब। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। मेरा फोन बज रहा है, मेरा फोन तो ऑफ है, ये कहां से बज रहा है? नहीं चल रहा है किसका? ओह माय गॉड, ओह गॉड, अब बस यही होना बाकी था क्या? हेलो हेलो भाई साहब, आपका फोन बज रहा है। हेलो भाई साहब, आप जिंदा हो क्या? ओह थैंक गॉड ये जिंदा है। हेलो भाई साहब, आपका फोन बज रहा है। भाई साहब आपका फोन बज रहा है, आपको और कोई जगह नहीं मिली सोने के लिए? ओह गॉड, एक परेशानी खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू। भाई साहब आपका फोन बज रहा है, उठिए। यही जगह मिली थी क्या आपको सोने के लिए? भाई साहब उठिए। मैं जा रही हूँ, थैंक यू। एक तो पहले मेरी मीटिंग की गड़बड़ और अब ये आ गई। तुम सीआईडी ऑफिसर्स ही अगर ऐसे सोते रहोगे तो मुंबई का क्या होगा? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझे इंतजार पे इंतजार कराए जा रहे हो। कौन हो तुम और मुझे क्यों फोन किया? ओहो दया, तुम अपनी चिंता छोड़ो, अपने साथियों की चिंता करो, अपने दोस्तों की चिंता करो। अभिजीत और एसीपी प्रद्युमन की चिंता करो। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? बस यही कि जैसे तुम्हारा एक दोस्त अभिजीत किसी एक बस में टिकट्स बेच रहा है इस यकीन से कि वो किसी की जिंदगी बचा लेगा। और तुम्हारा एसीपी प्रद्युमन वो तो 11 बजे की जयवा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार है, वहां किसी ने बॉम्ब प्लांट किया है ऐसा वो सोच रहा है। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा एग्जैक्टली? तो तेरी वजह से मैं यहाँ पहुंचा और तूने एसीपी साहब और अभिजीत के लिए मौत का जाल बिछाया। मगर बेटा तो एक बात समझ ले, तूने मौत के मुंह में हाथ डाला है, तू बचेगा नहीं। हेलो अभिजीत। अभिजीत को फोन लगा रहे हो? फोन तो लग जाएगा लेकिन अभिजीत नहीं मिलेगा, उसका फोन मेरे पास है। क्या चाहते क्या हो तुम? उन्हें नहीं मुझे ढूंढो दया, क्योंकि अगर मैं मिल गया तो तुम अपने साथियों को बचा लोगे। और हाँ, अगर तुमने मेरा ही नंबर ट्रैक करके मुझे ढूंढने की कोशिश की तो वो मुझे पता चल जाएगा दया। अरे हाँ बाय द वे, कल रात को तुम्हारे सोने से पहले मैंने तुम्हारे लिए एक सुराग छोड़ा था, कुछ याद आ रहा है? सुन एक बात समझ ले, जमीन के अंदर भी होगा ना तुझे खोद के निकालूंगा मैं। और रही बात एसीपी साहब और अभिजीत की, तो उनकी चिंता मत कर, अपनी घर में ना, जिस दिन तू मेरे हाथ लगेगा बहुत पछताएगा। अपने जिंदा होने पे अफसोस करेगा तू। हेलो हेलो, दया 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 दया, हम नाम हूं मैं तुम्हारा, जो तुम्हारा नाम वही मेरा नाम। दया।
सच में कोई बस में चढ़ने वाला है या किसी ने मजाक किया मेरे साथ? हेलो, आप जरा उनको फोन दे दीजिए। हाँ 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 जी, मैं निहारिका बोल रही हूँ। पीले सूट में एक लड़की बस में चढ़ेगी और आखिरी स्टॉप पर पहुंचने से पहले ही उसको गोली लग जाएगी। उसकी जान बचा सकते हो तो बचा लो। चला चला तांबे चला। मैडम, मुझे मुझे लिफ्ट चाहिए। मुझे यहाँ से आगे आगे कहीं भी छोड़ दीजिए। मैं आपको नहीं छोड़ सकती, मेरी गाड़ी खुद खराब हुई पड़ी है। मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है, मैं आपको लिफ्ट नहीं दे सकती हूँ। क्या हुआ गाड़ी को? पता नहीं, बंद हो गई है गाड़ी। आप देख लीजिए अगर आप देख सकते हैं तो। मैडम एक मिनट, सर ऑन करना, इग्निशन देना जल्दी। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं अपनी मीटिंग लिए पहुंच पाऊंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज आप मुझे आगे छोड़ दीजिए। हेलो, मैं अनजान लोगों को लिफ्ट नहीं देती हूं, प्लीज। आई एम सॉरी मैम। नो, मैं लिफ्ट नहीं देती हूं। देखिए मैम, मैं इंस्पेक्टर दया हूं, सीआईडी से। इंस्पेक्टर दया? हां, सीनियर इंस्पेक्टर दया। हां, आर यू श्योर? ओह माय गॉड, रियली? ओह माय गॉड, आई एम सच अ बिग फैन ऑफ योर्स। एक मिनट। वाओ, थैंक यू, आई एम सो हैप्पी। प्लीज एक ऑटोग्राफ। मैं गाड़ी में बैठते नहीं, पहले आप ऑटोग्राफ दीजिए, नहीं तो हम नहीं चलने वाले। ओके, ये लीजिए। थैंक यू, प्लीज जरूर आइए। गरम समोसे वड़े, वड़े समोसे। 11 बजे की ट्रेन है, अब तो 10:40 हो चुके हैं। आया कैसे? नहीं, किसी ने मजाक तो नहीं किया हमारे साथ? वड़े गरम गरम समोसे। हेलो दुष्यंत, एसीपी साहब और अभिजीत कहाँ है? तुम्हें भी नहीं मालूम? इस वक्त तुम कहाँ पर हो? ब्यूरो में। मेरी बात ध्यान से सुनो, एसीपी साहब और अभिजीत की जान को खतरा है। एसीपी साहब जायवा एक्सप्रेस ट्रेन में है जो 11 बजे निकलने वाली है। तो ये पता करो कि ये ट्रेन कौन से स्टेशन से निकलती है, और अभिजीत किसी बस में कंडक्टर बना हुआ है, तो कौन कौन से कंडक्टर आज छुट्टी पर है ये पता करो, और इस वक्त वो कहाँ पर है तो पता चल जाएगा अभिजीत कौन से बस में कंडक्टर है। ठीक है दुष्यंत, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, जल्दी होना चाहिए। मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। मुझे कुछ काम है, मैं वो काम निपटा के सीधे वहीं पे आता हूँ, और इनके बारे में कुछ पता चले तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है? ओके, या थैंक यू। अरे हाँ, बाय द वे, कल रात को तुम्हारे सोने से पहले मैंने तुम्हारे लिए एक सुराग छोड़ा था। टिकट मैडम, कोटे जाते हैं, कहाँ जाने का है? लास्ट स्टॉप। अरे लास्ट स्टॉप, इतना दूर कोई जाता है? अरे आप अपना काम कीजिए, चुपचाप मुझे लास्ट स्टॉप की टिकट काट कर दे दीजिए। अरे मजाक कर रहा था मैडम। अरे आप फर्स्ट स्टॉप जाओ, लास्ट स्टॉप जाओ, अपने को क्या, अपने को तो टिकट से मतलब। ज्यादा बात मत करो, समझे? अरे मैडम, आजकल जो बात करता है वही राज करता है, और जो काम करता है ना वो आज खाया और कल भूखा रहता है। चुपचाप टिकट दो। टिकट। ये जो बस में बैठे हैं, इनमें से कोई खतरा है निहारिका के लिए या कोई बाहर वाला है? गरम गरम समोसे वड़े। एक आदमी जिसके पास हरे रंग का बैग होगा और तुम उसे देख नहीं पाओगे, वो जयवा एक्सप्रेस में 11 बजे चढ़ेगा और
ट्रेन को उड़ा देगा। अब उन मासूमों को बचा सकते हो तो बचा। एसीपी प्रत्युमन। क्या बदतमीजी है, पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो तुम इस बस में? लगता है सब परेशान करने वाले मर्दी बैठे तुम्हारे जैसे। ए, क्या कर रहा है? लड़की को छेड़ रहा है? देव का खर्चा पानी। चिल मैन, मैं छेड़ नहीं रहा हूँ। ये देखो। अरे यार, ये यार, फेंको फेंको, बाहर फेंको यार। थैंक यू, सॉरी। हाँ, इट्स ओके। अरे कमाल है इसकी आंखें तो, मुझे यहाँ आलू भिंडी दिखाई नहीं देती, इसको लड़की के दुपट्टे पे बैठी मकड़ी दिखाई दी। सब तुम्हारे जैसे नहीं होते, समझ गए? निहारिका जी, आप चाहिए तो सीट बदल लीजिए। आप तो ऐसे नाम ले रहे हो मेरा, जैसे कि मुझे जन्म से जानते हो। आपको मेरा नाम कैसे पता है? अरे वो जब आप बस में चढ़ी थी ना, तो फोन पे बात कर रही थी। फोन पे आपने नाम लिया था उसके लिए। फोन पे बातें सुनते हो? अरे बस में कोई बोलेगा तो सुनाई पड़ेगा ना। वो क्या ना, मेरे को आदमी का नाम और उसका चेहरा, वो पढ़ने में बहुत मजा आता है। मुझे यहीं बैठना है, आप प्लीज जाइए अपना काम कीजिए। अरे मेरे को क्या है भाई, अगर कोई मगरी उगरी दिखाई पड़े तो देख देना, बुलाना मत। इंसान, जब से बस में चढ़ी हूँ मुझे परेशान करके रख दिया है। मैडम, मकड़ी थी यहाँ पे। हटो यहाँ से, हटो। मैडम मकड़ी थी वो। शिफ्ट हो जाओ। वो लाल जैकेट वाली लड़की अगर निहारिका को मारना चाहती थी तो गोली चलाने में इतना टाइम क्यों लिया, और फिर बस में क्यों नहीं चढ़ी? ये शाल आपकी है? नहीं, आपकी है। मेरी नहीं, मगर ये शाल आपकी है क्या? इधर पड़ी थी, मैंने उठा ली। यहाँ पड़ी थी? हाँ। गन, बंदूक, लुटेरा है, पकड़ो इसे। चुप रहो। मैं सीआरडी से एसीपी प्रद्युमन हूँ। हाँ, और बात सुनिए मेरी, मुझे शक है कि आपके इस डिब्बे में शायद बम रखा है किसी ने। एक मिनट सुनिए, शांति से अपने अपने सामान यहीं पर छोड़ो और जल्दी से बाहर निकलो। एक आइए आइए। तुम क्या कर रहे हो अंदर? चलो बाहर। हरे रंग की बैग गई कहाँ? कैसे पता चलेगा? का कवर
तो फिर बैग कहाँ गई? माय गॉड, अब इस कार में कौन सी बैग हो सकती है? कौन सी बैग? और फिर बॉम्ब? बॉम्ब किस बैग में होगा? अब तो सारी बैग्स चेक करनी पड़ेगी। माय गॉड, तो सारी बैग्स चेक करनी पड़ेगी। बाहर बस में लिखा पड़ा नहीं आप लोगों ने? चलते बस मधे चढ़ू नका, ध्यान ने तुमचा जीवाला धोखा है। भाई साहब क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? इतने बड़े हो गए आप लोग, दाढ़ी निकल आई आपकी, मैडम के मैडम को चश्मा लग गया है, चलती बस में नहीं चढ़ने का मालूम नहीं आपको? आप लोग चलती बस में चढ़े हो। गलत है ना? अरे अरे भैया गलती हो गई, सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है, टिकट बोला टिकट बोला। अब अरे कुटे जाए चाहे, कहाँ जाने का आपको? लास्ट स्टॉप। लास्ट स्टॉप आपको भी? अरे आज जिसको देखो लास्ट स्टॉप ही जा रहा है। किसको जाना है? अरे आपको लास्ट स्टॉप जाने का है। अब वो जो मैडम बैठी है वो पीली सलवार कमीज में, निहारिका मैडम, उसको भी लास्ट स्टॉप जाने का है। ए, इनकी जान को खतरा है, ध्यान से। अच्छा पैसे दे। दो फूल एक हाफ। आप किसका है? ये। ओ, चल 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 ठीक, चल चल बसा बसा। अरे भाई साहब ये गिटार वाले पर नजर रखना। से निकल गया। निकल गया, देखते हैं कहां तक भागेगा वो। भाई मैं तुम्हें बता रहा था, इट डजंट वर्क लाइक दैट। द प्रॉब्लम इज आई एम सो सॉरी, मैं जरा जल्दी में था, सॉरी। कोई बात नहीं, वैसे आपके चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा है कि आप काफी परेशान हैं। आई होप कोई चोट तो नहीं आई आपको? नहीं नहीं शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, मेरी गलती थी, मैंने आप लोगों को देखा नहीं। कोई बात नहीं, छोटी सी दुनिया है। वैसे मैं और मेरी पत्नी कंगना हम आपके रास्ते में आ गए, सो वी आर सॉरी। मेरा केक तो ठीक है, देख लो। थैंक गॉड ये आखिरी था। चलो भी अब देर हो रही है पार्टी के लिए। हाँ श्योर, बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सर आप ठीक तो है ना? सर आप अपनी कार लेने आए हैं ना? हाँ कार भी लेने आए हैं और
मुझे ये बताओ कि कल रात यहाँ क्या हुआ था? सर आपको बिल्कुल याद नहीं है? याद है कि मैं अभिजीत और तारिका यहाँ डिनर करने के लिए आए थे, उसके बाद शायद कोई मिला था मुझे यहाँ पे, है ना? जी हाँ सर, एक बूढ़े आदमी से मिले थे आप वहाँ बैठे थे। बूढ़ा आदमी? हाँ हाँ याद आया, एक बूढ़ा आदमी मिला था, मगर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि हुआ क्या था। सर आप अपने दोस्तों के साथ जिस रेस्टोरेंट से बाहर गए और उन्हें छोड़कर फिर आप आए। आप ठीक तो है ना? ये पानी पीजिए, ये लीजिए, रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है, शुक्रिया बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, पराए लोगों की भी बहुत फिक्र है तुम्हें। बेटा भी बोलते हैं और पराया भी कर दिया। ऐसा नहीं है बेटा, लेकिन आजकल के जवान लोगों के पास हम बूढ़े बुजुर्गों के साथ बैठकर खाना खाने के लिए कहाँ वक्त है बोलो। इसीलिए अकेले आ जाते हैं खाना खाने। बेटा ठीक है, खाना तो नहीं खाऊंगा। देखिए मैंने अभी अभी अपने दोस्तों के साथ खाना खा लिया, एक आइसक्रीम खा लूंगा। अच्छा बेटा, थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया। आइसक्रीम में ट्रक मिला है जब मैं चम्मच उठा रहा था, इतना तेज ड्रग कि मेरी याददाश्त चली गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस बूढ़े ने बिल पे किया और आपको उसके कार तक छोड़ने में मदद मांगी, और तुम लोग मुझे वहां कार तक ले गए। उसकी गाड़ी देखी? कौन सी गाड़ी थी? व्हाइट कलर की लंबी सी कार थी, छोटा हाथी हमारा। ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता कि हमारा ने मुझे सही समय पर ढूंढ लिया, रोड से उतरकर जंगल में आना एक अजनबी की मदद करने के लिए। यही वो सुराग है जो दया ने कल रात मुझे दिया था। मैं तुझे ढूंढ लूंगा। वो बिजनेस डायरी हमारा की, वो बिजनेस डायरी जिसमें मैंने ऑटोग्राफ दिया था, AKIU कॉरपोरेशन। मैं आ रहा हूं दया। संभल के
खोलो। सर, बिना बॉम्ब स्क्वाड के इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना मुश्किल होगा। दुष्यंत, लगता है किसी वजह से बॉम्ब स्क्वाड यहां तक पहुंच नहीं पा रही है। उनका इंतजार हम नहीं कर सकते। इस बॉम्ब को अब हम डिफ्यूज करेंगे। हमारा मैडम कहाँ है? हमारा मैडम तो भाग गई है सर। भाग गई है? गाड़ी लेके गई? नहीं सर, रिक्शा से गई। रिक्शा से गई तो उसकी गाड़ी कहाँ पर है? इस तरह है सर, ये दिखा सर। दिखाओ। कौन सी गाड़ी? सर ये रही गाड़ी। ये? हाँ। तो ये कार ही वो सुराग है जो दया ने कहा था। प्राइवेट नंबर आ दया, मुझे मालूम है तुमने फोन किया है। मैं उस गाड़ी के पास हूं जो तुमने बताया था। कितने स्मार्ट हो तुम दया, इसीलिए तुम्हारे साथ खेलने में बड़ा मजा आ रहा है। वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? गाड़ी का दरवाजा खोलो भी। Kicks. Oh, तो उस औरत का पति दया ही था। स्वीट केक्स फैक्ट्री का नाम पर ये केक फैक्ट्री तो कई साल पहले बंद हो गई थी, और ये केक तो उस औरत ने स्टारलाइट रेस्टोरेंट से लिया था। तो फिर ये पुरानी रैपर क्यों? वो चाहता है कि मैं इस बंद पड़े हुए फैक्ट्री में आऊं उससे मिलने। भाई साहब, ये यार कहिए, ये क्या कर रही हो तुम? गामरे उर्फ इंस्पेक्टर अभिजीत, मैं वही कर रही हूँ जो मैं यहाँ करने आई हूँ और जो मुझे करना चाहिए, समझे? बहुत रखवाली कर ली तुम लोगों ने निहारिका की, अब तुम लोगों को हमसे कौन बचाएगा? ए, नाटक तुम लोग नहीं, नाटक हम लोग कर रहे थे। क्यों पंकज, फ्रेडी, ये सब तुम लोगों के लिए था, क्योंकि तुम सारे के सारे फंस जाओ। तो सब हम लोग किडनैप हो गए? सिर्फ किडनैप ही नहीं, अब तुम सब के सब ऊपर जाओगे। सिर्फ 15 सेकंड बचे हैं से पटने में। लुपाचुपी का खेल, जो खेल तूने शुरू किया, चला जा। मुझसे मिलने का बहुत शौक है ना तुझे?
इसीलिए तूने ये सब ड्रामा किया? हाँ, सामने आ। शाबाश, तुम इस जगह पर आओगे मैं जानता था। दया, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हो तुम। वैसे मुझे भी अब तक पहचान ही गए होंगे तुम। क्यों, जब तुम स्टारलाइट रेस्टोरेंट में मुझसे मिल चुके थे, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? वही बता देते, तुम्हारा सारा हिसाब वहीं चुपटा कर दिया होता। इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था तुझे मैं दया। तेरी पूरी सीआईडी की टीम को नचा नचा कर तब तुझे मारना चाहता था। अगर मैं चाहता तो उसी दिन रेस्टोरेंट में तुझे खत्म कर देता, लेकिन तेरे चेहरे पर ये तकलीफ देखने का मजा नहीं आता। वो कहते ना, जैसे दाल गला कर पीने में मजा आता है, वैसे ही दुश्मन को भगा कर मारने में मजा आता है। बकवास बंद कर। एसीपी साहब अभिजीत और मेरे टीम के बाकी के लोग कहाँ हैं? कितनी फिक्र होती होगी अपनों की, ये तो मैं भी नहीं जानता कि अभिजीत और उसके नन्हे मुन्ने सीआईडी वालों पर कितनी गोलियां बरसी हैं, या फिर तुम्हारे एसीपी और उसके साथियों के कितने चिथड़े उड़े होंगे उस बॉम्ब से। एसीपी साहब और अभिजीत का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तेरी दुश्मनी मुझसे बिना वजह इन लोगों को इसमें घसीट क्यों रहा तू? हाँ, गेहूं के साथ तो घुन भी पिसता है, ये तो सुना होगा तूने। तेरी गलती की सजा अब वो लोग भुगतेंगे दया, वो लोग। इस बात का बदला ले रहा तू मुझसे? भाई कहो, भाई ये सीआईडी वाले भाई मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। समर, समर कौन समर? कौन समर? समर बिल्कुल घबराना नहीं बेटा, मैं रास्ते में हूँ, पहुंचने वाला हूँ बस बेटा, कुछ नहीं होने दूंगा अपने भाई को मैं। भाई भाई जल्दी आओ भाई, वरना अपने भाई को जिंदा नहीं पाओगे भाई। अबे हट भाई, ये सीआईडी का था भाई, भाई मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा भाई। भाई वो हाथ धोके मेरे पीछे पड़ा भाई, भाई प्लीज भाई जल्दी आओ। समर भाई आ गया वो भाई, कोई रास्ता नहीं, गिर चुके तुम बच के नहीं जा सकते। समर, ए समर क्या कर रहे हो तुम? आगे मत आना वरना मैं कूद जाऊंगा, देखो आगे मत आना। समर नीचे उतरो। देखो आगे नहीं आ रहा। पागल मत बनो, तुम गिर सकते हो, नीचे उतरो, उतर जाओ नीचे भाई। समर oh no. समर 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 समर
खबर। मगर वो एक एक्सीडेंट था और तुम्हारा भाई समर कोई दूध का धुला नहीं था, वो एक मुजरिम था। वो नहीं, वो मेरा भाई था। वो क्या हुआ अगर उससे एक छोटी सी गलती हो गई? और वैसे भी वो गिरा नहीं था। दया, तूने गिराया था उसे। उसी पल मैंने तय कर लिया कि तेरी सारी सीआईडी टीम को एक एक करके ऐसे ही दर्दनाक मौत दूंगा, और मैंने वही किया। आज तेरी सारी सीआईडी टीम का, अब सिर्फ तू ही बचा दया, सिर्फ तू ही बचा। अब मैं, मेरे हाथों से अब तू मरेगा, अब तू मरेगा। सिरफिरे ने दया को यहां पे बुलाया सर। हमें भटकाकर उसने दया को अलग कर दिया, मगर भूल गया कि उसने मौत को बुलावा दिया। यहां तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा सर। सर शायद वहां पे रास्ता है। किसी ने दरवाजा बाहर से बंद किया। इसका मतलब हम जाल में फंस रहे हैं क्या? आओ अभिजीत। जैकेट वाली लड़की तुम, तो नियारिका पे झूठा निशाना तुमने लगाया था। हाँ, और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम लोग बस के लास्ट स्टॉप तक कैसे जाते? गोली मारने के लिए मुझे माफ कर दीजिए एसीबी साहब, मेरा इरादा आपको गोली मारने का नहीं, आपको भटकाने का था। वैसे मेरा नाम टोनी है। टोनी? और मैं हूँ बॉम्ब प्लान करने वाला, पर मानना पड़ेगा तुम लोग उससे भी बच गए। क्या बात है, तुम जैसों के बॉम्ब तो हमें कुछ नहीं कर सकते, समझे? अब हमसे बचने की सोचो, हमसे। अरे
पीछे के दरवाजे से जाओ, बोलो तोड़ो दरवाजा। इनकी कहानी तो खत्म हो गई सर। अभिजीत, अब दूसरे दया की कहानी हमारा दया खत्म करेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.